हे नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों आप अपने मोबाइल का कीबोर्ड कैसे चेंज करें। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो यानी कि अपने मोबाइल का कीबोर्ड को चेंज, तो दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिंपली दोस्तों आपको लाल बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बगल में आपको बेल आइकन दिखाई दे रही है, इस घंटी पे भी आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो दोस्तों मेरा नाम है धारा सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मोबाइल है यानी कि दोस्तों सैमसंग J6 मोबाइल है। तो यहाँ पर मैं सैमसंग J6 मोबाइल है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर कीबोर्ड मेरे को दिखाई दे रहा है, देखिए टाइपिंग में। तो अब देखिए दोस्तों आपको चेंज कैसे करना है, देखिए यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सेटिंग के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको नीचे जाना है और तीसरे वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा आपको लैंग्वेज एंड टाइपिंग, और दूसरा देगा स्मार्ट टाइपिंग, और तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन दिखाई देगा स्टाइल एंड लेआउट। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन दिखाई देगा कीबोर्ड थीम्स। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर थीम्स आप चेंज कर सकते हो यानी कि अपने कीबोर्ड का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड भी आपको अलग तरह से दिखेगा, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर आप दूसरे वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अपना कीबोर्ड को। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इस पर यानी कि इसको मैंने टिक लगा रखा है, तो आप दूसरे वाले पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर डार्क मोड में, तो सिंपली इसमें मैंने डार्क मोड में कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप जैसे ही टाइपिंग करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर भी आप जाएंगे, जैसे मैं प्ले स्टोर में फिर से यहाँ पर जाता हूँ और टाइपिंग करता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे को कीबोर्ड का यानी कि दोस्तों यानी कि डार्क मोड में दिखाई दे रहा है, यानी कीबोर्ड जो चेंज हो चुका। तो दोस्तों आप इस तरह से आसानी से अपने मोबाइल में यानी कीबोर्ड को आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।